2024 में कैबिनेट में जो लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सुना होगा, मैंने भी उनके साथ बातचीत के लिए इंटरव्यू किया था। जिस तरह के आरोप उन्होंने जो पुलवामा हमला हुआ उसको लेकर लगाए कि कहीं ना कहीं वो किस तरह की खामी थी, उन सैनिकों की जान नहीं जाती अगर हम इस तरह काम करते, उनके इतने गंभीर आरोप आप कैसे देखते हैं? पूरे खिलाड़ियों की हर मांग के साथ सरकार में गठबंधन है। सरकार तो बीजेपी और जेजेपी दोनों की है। संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति की इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना या इस प्रकार की टिप्पणी को मैं गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ। इन लो एक व्यक्ति की पार्टी बनते रहेगी, कांग्रेस एक ग्रुप की पार्टी बनते रहेगी। अशोक तंवर जी के ऊपर इस प्रकार से लाठियों से हमला करके उन्होंने FIR करवाई अपनी पार्टी के नेता के पार्टी के लोगों के खिलाफ। कुमारी शैलजा लंबे समय प्रदेश अध्यक्ष रही, वो संगठन नहीं बना पाई सालों तक, क्योंकि जीभ लपलपा रही हैं कि कैसे फिर से उनको मौका मिल जाए। उनके इस विभत्स और विद्रूप रूप को, इस घिनौने चेहरे को हरियाणा देख चुका है। वो बेनकाब है, जो 50 साल हरियाणा को बर्बाद करने में लगाए हों, उसको सुधारने में वक्त लगे। भ्रष्ट आदमी को ऐसी सजा मिले कि पानी भी ना मांगे, इतना ही उनको तकलीफ थी तो मुक्त कर देते नाम उनको, उनका प्रायश्चित भी हो जाता, पश्चाताप भी हो जाता, पाप मुक्त भी हो जाते। वो हरियाणा भी हमारी एक कहानी है, रमड़ू तने कित कित रोई चाल दी जार रोगी। आज मेरे नानम की नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व में रहे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी है। कैप्टन साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, और बिंदास हरियाणा का भी धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, आप लगातार जो है अपने हलके में आ रहे हैं, लंबे समय से जो लोगों की समस्याएं हैं वो सुन रहे हैं, लोगों का हाल चाल जान रहे हैं, सुख दुख में आ रहे हैं। नारायण की मैं बातें आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े मुद्दे उनसे बातचीत करना चाहूंगा। लंबे समय से पहलवान जो है वो जंतर मंतर में बैठे हैं, जो बेटियां हैं, जो महिला पहलवान हैं, उन्होंने इतने गंभीर आरोप जो ब्रिटिश पर लगाए हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, एक तो मामला ये है कि ये जो भी खिलाड़ी हैं ये देश का गौरव है, और इन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। केवल हरियाणा प्रदेश या कोई एक बिरादरी या एक ज़िला या गांव नहीं, समस्त भारतवर्ष को इन्होंने दुनिया के क्षितिज के ऊपर मेडल जीत करके तिरंगा को ऊंचा उठाते हुए राष्ट्रीय गान विदेशों की धरती पर गाने का, गवाने का बहुत महान काम इन खिलाड़ियों ने किया है। हमारे लिए गर्व की बात है, और इनकी कोई पीड़ा दुख तकलीफ है, न्याय की प्रक्रिया के तहत उनको न्याय मिले और इनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार हो, इसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं हो सकती है। इस पूरे प्रकरण में जहां एक तरफ में पूरे खिलाड़ियों की हर मांग के साथ में हूँ, उनकी हर जायज़ मांग के साथ में हूँ, जिस प्रकार का वातावरण मैंने देखा है कि एक पक्ष और विपक्ष बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसके ऊपर आरोप है वो एक पक्ष हो सकता है, वो भी एक व्यक्ति है, और जो आरोप लगाने वाले हैं वो भी व्यक्ति है। कानून के तहत जांच हो करके और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और अपनी मांग को उठाने का हर किसी को अपने तरीके से लोकतंत्र में अधिकार है। वो आंदोलन भी कर सकते हैं, संतुष्टि नहीं हो तो हर प्रकार से शांतिपूर्ण ढंग से वो अपनी विरोध दर्ज करा सकते हैं, वो अधिकार भी कोई छीन नहीं सकता है। जिस प्रकार से इस पूरे मामले में जो एक देश से जुड़ा हुआ मामला है, देश के गौरव से जुड़ा हुआ मामला है, खेल खिलाड़ियों से जुड़ा मामले में जो पक्ष और विपक्ष में जातिवाद की जो बातें आ रही हैं, ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, सामाजिक कमजोरी का एक परिचायक है कि जो पक्ष में भी बोलते हैं या विपक्ष वाले भी बोलते हैं, दोनों अगर इसको जाति की लाइन पर लेकर के जाते हैं तो मैं उसको गलत मान रहा हूँ, पूर्ण रूप से गलत है। ये खिलाड़ी हो, देश का सैनिक सिपाही हो, देश का शहीद हो, देश के महापुरुष हों, स्वतंत्रता सेनानी हों, उनकी जातियां नहीं होती हैं, वो पूरे देश के लिए, समाज के लिए अपना काम करते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन और विनम्र निवेदन, इसको जातियों के आधार पर इसके ऊपर पक्ष विपक्ष ना लिया जाए। किसी को चर्चा करनी है तो इसके विषयों के ऊपर चर्चा करने का अधिकार सबको है, परंतु अन्यथा कानून के हिसाब से इसकी जांच हो करके और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।
कैप्टन साहब, जहां अपने खिलाड़ियों का आप समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन ब्रजभूषण की बात करें वो पूर्ण रूप से ये कह रहे हैं कि जो उन पर आरोप लगे हैं, ये शोषण के या बाकी जो आरोप लगे हैं, वो सारे के सारे निराधार है, कोई सबूत है तो आप मेरे सामने लेकर आइए। और वो ये कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी बैठे हैं ये आरोपों की बात नहीं है, ये मुद्दा जो है इस मुद्दे की बात नहीं है, इनका दरअसल असल मुद्दा जो राजनीति है और राजनीतिक लोगों ने इनको यहाँ बिठाया है। ठीक है, उनका अपना पक्ष है, उन्होंने अपनी कुछ बातें कही हैं। मूल मुद्दा वो ये है कि क्या इस प्रकार की छेड़खानी इतने व्यापक स्तर पर हुई है, उसकी जांच करके जो कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने शिकायतकर्ता हैं, उनके बयानात के आधार पर सच्चाई सामने आनी चाहिए, और जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं उनको भी अपने डिफेंड करने का अधिकार है। परंतु उस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना, सामाजिक विरोध का रंग देना, चाहे कोई भी दे, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। कैप्टन साहब, आपने भी देश की सेवा की, आप सेना में कैप्टन रहे, आपने भी कुछ समय पहले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान सुना होगा, मैंने भी उनके साथ बातचीत के लिए इंटरव्यू किया था। जिस तरह के आरोप उन्होंने जो पुलवामा हमला हुआ उसको लेकर लगाए कि कहीं ना कहीं वो किस तरह की खामी थी, उन सैनिकों की जान नहीं जाती अगर हम इस तरह काम करते, उनके इतने गंभीर आरोप आप कैसे देखते? देखिए, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि हमने संगठन में भी साथ काम किया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, हम भी राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, और मैं उनकी व्यक्तिगत निजी तौर पर उनकी इज्जत करता रहा। परंतु इस बात को लेकर के निश्चित तौर पर कष्ट होता है कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, और जब वो उनके पास वो जिम्मेदारी और दायित्व था, और तब के विषय हों, तो उनको उस समय उन बातों को तो ना उठा करके, ना बोल करके, आज जब ये इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह उनके उस पूरे के पूरे जो उनकी जो बातें हैं उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या वजह थी कि वो जम्मू कश्मीर के बाद में अन्य राज्यों के भी राज्यपाल रहे, और उसके बाद भी उन्होंने अनेकों टेलीविज़न इंटरव्यूज या पब्लिक के फोरम पर बड़ी बातें कही, तब कोई भी कभी भी नाराज़गी में भी बातें कही, किसान आंदोलन के ऊपर भी उन्होंने नाराज़गी में बहुत बातें कही, नाराज़गी तो पहले से भी थी। आज जो देश के सैनिकों की शहादत से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सेना की सुरक्षा के विषयों से जुड़ा हुआ मामला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनयिक मामलों से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें इतने बड़े संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति की इस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना या इस प्रकार की टिप्पणी को मैं गैर जिम्मेदाराना मानता हूँ कि ये अगर कोई विषय था तो पहले रखना चाहिए था। नाराज़गी रहते हुए भी आप को कोई नाराज़गी थी तो ठीक है, जिसको समझना है वो नाराज़गी के भी वो विषय को उतने को समझेगा कि भी नाराज़गी में चीज़ें बोल रहे हैं। किसान आंदोलन पर खुल करके उन्होंने किसानों के पक्ष में बोला, सरकार के खिलाफ बोला, कई अंतरंग बातों को भी उन्होंने बोला, हुई नहीं हुई ये तो वही जानते हैं। उस दौर में भी ऐसी बातें नहीं कही जो पुलवामा से संबंधित बातें कही है, तो मैं इस बात को लेकर बड़ा दुख महसूस करता हूँ कि जिस को पार्टी ने इतना कुछ दिया, पार्टी ने उनको इतनी ऊंचाइयों तक मान सम्मान दिया, और जब वो इस प्रकार की आज बातें करते दिखते हैं, तो इसके ऊपर इसका नुकसान केवल व्यक्ति को ही नहीं होता है, देश और समाज को ही नहीं होता है, इसका नुकसान एक बहुत बड़े वर्ग को भी होता है, विश्वसनीयता पर संकट खड़ा होता है कि किस पर विश्वास किया जाएगा, कैसे विश्वास करेंगे। कैप्टन साहब, मैंने भी उनसे यही सवाल किया था जब ये हमला हुआ 2019 में चुनाव से पहले, तब आपने ये बातें क्यों नहीं बोलते? उन्होंने कहा कि मैंने जब प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी फ़ोन पे तो उनको बताया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे चुप रहने के लिए बोला, जी डोभाल का जिक्र उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं चुप करा दिया गया। फिर मैंने कहा कहीं ना कहीं आपके बयानों को, आपके आरोपों को लोग इस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक लोग भी, बाकी लोग भी, कि कहीं ना कहीं भविष्य में इनको कोई चुनाव लड़ना हो तो इस पर साफ स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन बीजेपी के खिलाफ प्रचार जरूर करूंगा और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, उनको जो भी नाराज़गी है, और हर नाराज़गी की भी मर्यादाएं होती हैं, संवैधानिक पदों पर रहे हुए व्यक्तियों ने पद और गोपनीयता की शपथ के अलावा एक स्वाभाविक नॉर्म्स और कन्वेंशन पर भारत का लोकतंत्र चलता है,
मूल्यों पर मर्यादाओं पर चलता है और इस प्रकार से मर्यादाओं को तार तार करते हुए गैर जिम्मेदारन आचरण। सुरेंद्र जी, मैं और आप दो भाई हैं, मैं कोई गलत काम करूंगा तो वो सुरेंद्र जी के खाते में भी जाएगा। तो अगर मैं किसी के विश्वास को तोड़ूंगा तो विश्वास सुरेंद्र जी पे भी नहीं रहेगा। तो आदरणीय मलिक साहब, वह केवल देश और समाज के नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं, वो जिस जिस वर्ग से वो आते हैं वो समस्त वर्ग को उस एक विश्वसनीयता के संकट के दायरे में लेकर के आते हैं, उस विश्वास का संकट पैदा करते हैं। तो और वो वहाँ से शुरू हुआ कि जिन पदों पर बैठे थे उनको उस वक्त वो बातें कह सकते थे, या उसके बाद भी एक दो साल तक नाराज़गी थी तब भी विषय लेकर के आते तो भी आदमी कोई मानता कि चलो, लेकिन इतने लंबे समय के बाद किसी बात को कहना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहना, संदर्भ के बाहर जाके कहना, तो सवाल तो खड़े करता ही है। और मेरे लिए बड़े दुख की बात है, व्यक्तिगत दुख की बात है कि जिन लोगों को हमने बड़े मान सम्मान के साथ पार्टी के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने की मेहनत से बड़े बड़े पदों पर जो लोग बैठे वो इस प्रकार का आचरण करते हैं तो महसूस होता है। कैप्टन साहब, हरियाणा में आ जाते हैं, हरियाणा के मुद्दों पे आपके बातचीत करेंगे आपके साथ। लगातार जैसे लोगों की बात करें, लोगों की भावनाओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम फिर से अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी बार हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस की बात करें, इनकी सभी पार्टियाँ अपना कहीं ना कहीं दावा करती है, और जिस तरीके से अभी से ही चुनाव 2024 में होने हैं लेकिन अभी से इसको चुनावी साल के रूप में देखा जा रहा है। इनेलो की बात करें, वो पर्यटन यात्रा निकाल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें वो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री भी जनसंवाद कार्यक्रम हर जिले में जाकर कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप आगे भविष्य को? देखिए, ठीक है, 2023 चल रहा है, एक साल बाद लोकसभा का चुनाव है और अगले साल विधानसभा का चुनाव भी है। पहले लोकसभा का चुनाव मई में आता है तो चुनावी तैयारियां तो हर पार्टी शुरू करती है, और मुझे इस प्रकार का पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता भारत के विकास, उन्नति और तरक्की के लिए, देश को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के षड्यंत्रों का मुकाबला देश की जनता करेगी। अगला चुनाव देश विरोधी ताकतें और देश के बीच में होगा। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी होकर के, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके देश को मजबूत करने का जनादेश देने वाली है, कोई दो राय नहीं। दुनिया में देश तो क्या, दुनिया में आज मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। इस दुनिया के अंदर आज यूक्रेन रशिया का संकट हो, आर्थिक संकट हो दुनिया का, इससे कोई उभार सकता है तो भारत, मोदी जी के नेतृत्व में उभरता हुआ भारत वह दुनिया के संकटों को दूर करने का मादा रखता है। भारत का नेतृत्व कमज़ोर होगा तो न केवल भारत कमज़ोर होगा बल्कि दुनिया के अंदर विघटन की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तो देश की जनता अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह से उसको ध्यान में है और कोई मुगालता नहीं है, कोई गलती नहीं करने वाली। उसका हरियाणा की विधानसभा के चुनाव में मैं इतना कहूँगा कि आज विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है, विपक्षी दल भी नहीं है। आज इनेलो एक व्यक्ति की पार्टी बनकर रह गई, कांग्रेस एक ग्रुप की पार्टी बनकर रह गई। कांग्रेस में ना तो पार्टी है, ना कोई विचारधारा है, ना कोई संगठन है। ये राजनीतिक दल कैसा है मुझे आज ही नहीं समझ, आज समझ भी नहीं आता पार्टी कैसे है। जिस पार्टी के राज्यसभा सांसद के उम्मीदवारों को पार्टी के लोग हरवाते आए हों, एक परिवार के उम्मीदवार को छोड़ के चाहे वो आर के आनंद जी रहे हों, चाहे वो माकन जी रहे हों, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को राजस्थान जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। जिस पार्टी के अतीत में रहने वाले प्रदेश अध्यक्षों को अशोक तंवर जी के ऊपर किस प्रकार से लाठियों से हमला करके उन्होंने FIR करवाई अपनी पार्टी के नेता खिलाफ, पार्टी के लोगों के खिलाफ, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखने को मजबूर होना पड़ा। कुमारी शैलजा लंबे समय प्रदेश अध्यक्ष रही, वो संगठन ही बना पाई सालों तक, पार्टी का सहयोग नहीं मिला। तो आज कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में वह
जिस प्रकार का अशोक तंवर जो कुमारी शैलजा के साथ व्यवहार हुआ, तो और जिस प्रकार रणदीप सुरजेवाला के साथ व्यवहार हुआ, अतीत में भी कांग्रेस के सब बड़े बड़े लोगों को छोड़ के जाना पड़ा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, राव इंद्रजीत जी, अनेक लोगों को पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा, पार्टी संकुचित होकर रह गई है। एक परिवार के साथ जुड़े हुए चंद लोगों के बीच में पार्टी रह गई है। उसको क्षेत्र तक कह सकते हो, उसको सामाजिक वर्ग तक कह सकते हो। अब उस पार्टी का कोई व्यापक जनाधार प्रदेश में नहीं बचा, तो सामने विपक्ष में कोई जिम्मेदार गंभीर जो विचारधारा की राजनीति करते हों, कार्यकर्ता आधारित संगठन की राजनीति करते हों, कोई हरियाणा प्रदेश के सर्व समाज को साथ लेकर के चलने की राजनीति करते हों, कोई हरियाणा प्रदेश को लेकर के कोई विजन की राजनीति करते हों, हरियाणा को क्या दे सकते हैं? केवल मात्र झूठ चला के फलाना पेंशन कर देंगे, लोभ लालच दिखा करके, और सत्ता येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करें, और वो केवल लूटना चाहते हैं, प्रदेश को देना नहीं, वो केवल अपना घर उन्होंने पहले भरा था, फिर से वो अपना घर भरना चाहते हैं, फिर से हरियाणा प्रदेश के अंदर वो CLU कांड करते कि उनकी जीभ लपलपा रही है कि कैसे फिर से उनको मौका मिल जाए। उनके इस विभत्स और विद्रूप रूप को, इस घिनौने चेहरे को हरियाणा देख चुका है, वो बेनकाब हैं। उनको हरियाणा प्रदेश की युवा पीढ़ी किसी भी सूरत में हरियाणा को बर्बाद नहीं करने देगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश की तर्ज पर हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार फिर बनेगी, सर्व समाज को साथ लेकर पंचकुला से पलवल तक सब लोगों को साथ, सब विधानसभाओं में बराबर विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास के संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ही हरियाणा प्रदेश का वर्तमान है और हरियाणा प्रदेश का भविष्य है। चुनाव की श्रेणी में एक सवाल आपसे है, 2024 में कैप्टन अभिमन्यु लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते देश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और NDA की सरकार बने, इसके लिए अपना जी जान एक करके लगाने वाले हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसमें अपना जी जान अपना लगाने वाले हैं। मेरी भूमिका क्या होगी ये तय करने का काम पार्टी का है कि मुझे किस भूमिका में वो काम करना है, एक कार्यकर्ता के नाते एक बूथ के ऊपर काम करना है, या मुझे जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी मैं अपना जी जान लगा करके देश और प्रदेश में पार्टी की सरकार बनाने के लिए जुट के काम करूँगा। वहीं कैप्टन साहब, नारनूम की बात कर लेते हैं, आपके समय में यहाँ बहुत सारे काम हुए, आप भी लगातार जाके लोगों को बताते हैं, लोगों में चर्चा भी होती है, लेकिन हम पिछले 3.5 सालों की बात करें, भ्रष्टाचार के बड़े आरोप गठबंधन 2 पर यानी कि अभी जो सरकार चली उस पर लग रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अगर चाहे हम प्रॉपर्टी ID की बात करें या परिवार पहचान पत्र की बात करें, बुढ़ापा पेंशन की बात करें, बुजुर्ग पेंशन काट दी जाती है, मृत दिखाया जाता है कहीं ना कहीं, ये सारी इस तरह की जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार पहला और सरकार दो हो, भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार सरकार चलाने में अपनी पूरी सच्चाई और ईमानदारी निष्ठा से काम किया है, और बहुत बहुत पानी बहा है, और बहुत हरियाणा में सुधार हुए हैं, बहुत विषयों में सुधार हुए हैं। सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में कोई बटन नहीं है कि दबा दिया जाए और पूरी संस्कृति को बदल दिया जाए। राज संस्कृति और शासन संस्कृति जो दशकों से बिगाड़ी गई हो, परिवारवादी राजनीति ने, जातिवादी राजनीति ने, क्षेत्रवादी राजनीति ने, नौकरियां बेच देने वाली राजनीति ने, जो 50 साल हरियाणा को बर्बाद करने में लगाए हों, उसको सुधारने में वक्त लगेगा। और उस बात का श्रेय मैं मनोहर लाल जी को जरूर दूंगा कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार के अनेकों कार्यक्रम चलाए हैं। उन जब कोई भी नया प्रयास होता है तो उसमें नए प्रयास में सुधार, नए सुधार में, प्रक्रिया में, तो उसमें दिक्कतें आती ही हैं। दिक्कतें शुरू में कोई नियम की आ सकती हैं, कभी फिर उसकी कोई टेक्नोलॉजी की आ सकती हैं, कभी क्रियान्वयन करने वाले लोगों के अपने संस्कार की भी आ सकती हैं। इन सबको पार पाना होता है, एक मजबूत नेतृत्व, संकल्पवान नेतृत्व ही इनको पार पा सकता है कि ये इन चीज़ों को ठीक करना ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सब समय का बात है, चाहे वो परिवार पहचान पत्र का विषय हो, प्रॉपर्टी ID का विषय हो,
इससे निश्चित तौर पर समाधान तो जनता का ही होने वाला है। हाँ, दिक्कतें हैं, दिक्कतों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, दिक्कतों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको छिपाना नहीं चाहिए, उसको पकड़ के उसको जेल में डालना चाहिए, उसका सजा देनी चाहिए, उसको उदाहरण बनाना चाहिए, मिसाल बननी चाहिए, ताकि और लोग भी देख करके उससे सबक सीख करके उस रास्ते को छोड़ें। तो इसलिए ये जो परिवर्तन का दौर है, इसमें वेग प्रदान करने के लिए, ये बात कोई दोहराए नहीं है, अगर 2019 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल जाता और वहाँ पर मजबूत सब साथी मनोहर लाल जी के साथ खड़े होते, तो आज हरियाणा बहुत आगे, बहुत सुधार आज हरियाणा में हो चुका होता। फिर भी प्रयास जारी है और प्रयास जारी रहेंगे, हरियाणा का सुनहरा भविष्य हम मिल करके बनाने वाले हैं। कैप्टन साहब, आपने कहा कि सुधार होने में समय लगता है, 8 साल से ज़्यादा का समय हरियाणा में आपकी सरकार को हो चुका है, केंद्र में भी हो चुका है। जैसे प्रॉपर्टी आईडी का मैं खासतौर पर जिक्र करूँ, यासी कंपनी को ये ठेका दिया गया था, हालांकि बाद में रद्द भी कर दिया गया, यूएलबी के अंडर ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से जिनकी प्रॉपर्टी आईडी है, जिनका मकान है, वो उनके नाम दिखाकर किसी और के नाम दिखा दिया जाता है। जब वो ठीक करवाने जाते हैं तो बोला जाता है कि इस आदमी को लेके आओ, जबकि उस नाम का कोई आदमी नहीं होता, तो उसको कैसे लेके आएंगे, उसके नाम का एफिडेविट कैसे आएगा? और अगर ठीक करवाना है तो 500-500 रुपये, यानी कि एक गज के हिसाब से, गजों के हिसाब से मांगी जाती, लाखों रुपये, तो ऐसे इतना भ्रष्टाचार। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सारे विषय आए हैं और उन्होंने इनके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ भी करी हैं। और जब आप खुद कह रहे हैं, मुझे तो जानकारी नहीं, 4 साल से मैं सरकार में नहीं हूँ, कि किसी कंपनी का ठेका रद्द भी किया है, तो ये भी अपने आप में एक कार्रवाई है। और अधिकारियों को जल्द जल्द चीज़ों को सुधार करने का आदेश भी किए हैं। मेरी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से भी बातचीत हुई तो वो भी पूरी शिद्दत से लगे हैं। तो और ये प्रॉपर्टी आईडी का विषय सारा ही 2-1 साल से प्रारंभ हुआ है, बहुत सारे काम हम करते हुए आगे चले आए, पेंशन्स ऑनलाइन हुई, स्कूल्स का सारा जो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सब ऑनलाइन हुआ, सारी जो खरीद प्रक्रिया ऑनलाइन हुई, सारे एक्साइज और टैक्सेशन का पूरा डिपार्टमेंट ऑनलाइन हुआ, जो है रजिस्ट्रियाँ ऑनलाइन हुई, इंतकाल ऑनलाइन हुए, फसल का ब्यौरा ऑनलाइन हुआ, फर्द ऑनलाइन हुई, गांव के पूरे मैपिंग जो है ड्रोन से कर करके हर गांव के अंदर प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ वो सारी की सारी सबको अधिकार मिले, तो काम बहुत हुए हैं। और ये काम जो प्रॉपर्टी आईडी का, परिवार पहचान पत्र का, ये लगभग भी कंप्लीशन की तरफ है, और जब ये पूरा हो जाएगा, इसकी कमियाँ दूर हो जाएंगी, तो इसका लाभ जनता को मिलेगा। सुरेंद्र जी, काम करने वाले जो लोग हैं, लोग भी समाज से ही आते हैं, जनता का ही हिस्सा है, उन्हीं के परिवार भाई बंद हमारे ही भाई बंद परिवार हैं। अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो वो हमारे ही भाई बंद परिवारों में से तो हैं, तो उन पर सामाजिक दबाव बनना चाहिए कि ये आपको तनख्वाहें बढ़िया मिल रही हैं, आपको सारी कोठी की गाड़ियों की सुविधाएं, ऐसी कमरों दफ्तरों की सुविधाएं मिल रही हैं, मेरिट पर नौकरियां मिल रही हैं, ये गंदगी को बंद करना चाहिए, ये लूट को बंद करना चाहिए। कितना भी आप प्रक्रिया अच्छी पारदर्शी बनाएंगे, आखिर में जा करके तो लोगों को का एक्शन, तो काम तो लोगों को ही करने हैं, तो दोनों तरफ से ये काम होगा। लेकिन इस सरकार में ये मुझे जानकारी, मैं जिम्मेदारी कह सकता हूँ कि भ्रष्ट को संरक्षण नहीं मिलेगा, भ्रष्ट पर कार्रवाई होगी। कैप्टन साहब, आपने कहा कि जो जो अधिकारी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नज़ीर पेश हो, लेकिन अभी आपने देखा होगा, हम करनाल का जिक्र करें, फतेहाबाद का जिक्र करें, अन्य जगह का जिक्र करें, जो कहीं ना कहीं अधिकारी इस तरह की गड़बड़ियाँ मिलती हैं, हम तहसीलदार का ही जिक्र करें, रजिस्ट्री में बहुत बड़ा जिस तरह का मामला चल रहा है, गबन चल रहा है, वो कि छुपा हुआ नहीं है, लेकिन पत्रकार जब उस बात को उठाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। जहाँ भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ उल्टा कहीं ना कहीं प्रेस को ही सलाखों के पीछे। देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं स्वयं पत्रकार साथियों के साथ मेरा पूरा सहयोग और मेरा समर्थन और सहानुभूति है। ये मीडिया ट्रायल का कल्चर ये पत्रकारिता के मान सम्मान को कम करता है। पत्रकार को केवल अपनी टीआरपी के लिए और काम नहीं करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए पूरे विषय को गंभीरता से अध्ययन करके, रिसर्च करके, रिकॉर्ड बना करके, रिकॉर्ड ला करके,
और तब पूरी स्टोरी को गंभीरता से सामने लेके आना चाहिए। ये चिल्लाने वाली जो टीआरपी के गेम की जो पत्रकारिता है, इस पत्रकारिता को जनता भी सम्मान से नहीं देखती है। किसी का मीडिया ट्रायल कर देना या जो भी अधिकारी दोषी हैं, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कर्मचारी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो जनता के खजाने से, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई के पैसे से अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनसे वो सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं, और जनता की अमानत में कोई खयानत करे उस पर सख्त सजा होनी ही चाहिए, परंतु कानूनी प्रक्रिया के साथ। किसी को जब तक उसकी जुर्म साबित ना हो उसको सजा नहीं दी जा सकती, एक कानूनी प्रक्रिया होती है। ये जो आज के लोकतांत्रिक प्रणाली में एक संस्कृति बनाने की कोशिश की जा रही है कि खड़े पांव पर उसको ये कार्रवाई कर दो, उसको वो कार्रवाई कर दो, उसको ये कर दो, जांच के साथ, प्रक्रिया के साथ, ताकि आदमी, जिस भ्रष्ट आदमी को ऐसी सजा मिले कि पानी भी ना मांगे। आप प्रक्रिया से चलाइए। हर कोई अगर इस प्रकार से फैसले देने लगेगा तो फिर ये व्यवस्था नहीं बनी रहेगी। तो व्यवस्था मजबूती से काम करे, व्यवस्था तरीके से काम करे, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है जी। कैप्टन साहब, वही नारनौंद की बात कर लेते हैं। बहुत सारे मुद्दे थे, हम चाहे नारनौंद बाईपास की बात करें, वो आज तक नहीं बना। रेलवे लाइन का आपने कहीं कहीं जिक्र किया था, या जो सड़कें आपके समय बनी थी वो सारी टूट चुकी हैं, काफ़ी सड़कों की खस्ता हालत है। कैसे देखते हैं, बड़े लोग परेशान हैं जब से आप यहाँ। वो हरियाणा भी हमारी एक कहानी है, बोला रमड़ू तने कित कित रोऊं, लताई चाल दी जा रोन दी जा। आज मेरे नारनौंद की ये कहानी है, तो मैं इतने में ही कह दूं तो ठीक है। मेरे 3 लाख लोगों का परिवार है नारनौंद। हर व्यक्ति के दिल में बड़ी टीस है, बड़ी पीड़ा है, और जितनी पीड़ा दुख तकलीफ मेरा परिवार भुगत रहा है उतना उस बात की उतनी मुझे भी है कि आज मेरा ये क्षेत्र, मेरा परिवार, मतलब 3 लाख लोगों का मेरा परिवार, आज काम जहाँ थे तो वहीं खड़े होकर के रह गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में हम ये सारी कमियों को दूर कर पाएंगे। कैप्टन साहब, हम मौजूदा विधायक की बात कर रहे हैं, राम कुमार गौतम की, वो भी कहीं ना कहीं लगातार बयान उनके आते रहते हैं, आप भी लगातार सुनते होंगे। अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार बहुत अच्छा परिवार है, ईमानदार परिवार है, और कहीं ना कहीं उचाना की जनता ने पाप कर दिया प्रेमलता को हरा कर और दुष्यंत चौटाला को जिता कर, तो कहीं ना कहीं वो भी तो उनके लिए वोट मांगने वहाँ गए थे उनके खिलाफ। देखिए, ये एक तरफ से तो उनकी जो वो खुल करके बात करते हैं, कहते हैं, भले ही कोई उससे सहमत होता हो कोई नहीं होता हो, और उनकी बातें मैंने सुनी हैं, वो खुद कह रहे हैं उस पाप के भागीदार हैं, और बार बार कह रहे हैं। मैं तो एक सामान्य सी बात ये जानता हूँ कि पाप का निराकरण पश्चाताप ही नहीं, प्रायश्चित ही नहीं, उस पाप को जो गलती हुई है उसका भूल सुधार करने के उनके पास में पर्याप्त मौके थे। 4 साल हरियाणा ने या नारनौंद की जनता ने जो उनकी सक्रियता से सकारात्मक भागीदारी हो सकती थी एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि के नाते, उसकी कमी को महसूस किया है, उसकी पीड़ा को झेला है, इतना ही उनको तकलीफ थी तो मुक्त कर देते नारनौंद को, उनका प्रायश्चित भी हो जाता, पश्चाताप भी हो जाता, पाप मुक्त भी हो जाते। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इन सब बातों में गंभीरता के साथ साथ राजनीति, गंभीरता के अभाव के साथ साथ राजनीति भी दिखती है। काश के वो उतनी साफ गोई से ये जितना बोलते हैं उस उनके कर्म में भी उतनी साफ गोई रहती। अंतिम में कैप्टन साहब, एक गठबंधन से जुड़ा सवाल है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने बोला कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की सरकार नहीं है, और लगातार जो आप लोग वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, अन्य नेताओं की बात करें, कुछ लोग ऑन रिकॉर्ड बोल देते हैं, कुछ लोग ऑफ रिकॉर्ड बोल देते हैं कि हमें 2024 में गठबंधन चुनाव मिलकर नहीं लड़ना चाहिए। कैप्टन अभिनव क्या देखते हैं?
देखिए, कोई चुनाव एक गठबंधन में लड़ने का कोई बात ही नहीं है। चुनाव तो हमने 2019 में भी गठबंधन में नहीं लड़ा था। सरकार में गठबंधन है, सरकार तो बीजेपी और जेजेपी दोनों की है, सरकार तो गठबंधन की है। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी ने 2019 में भी अपने स्वयं चुनाव लड़ा था और 2024 में भी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। तो ये गठबंधन तो सरकार के लिए, सरकार के कार्यकाल के लिए, हरियाणा प्रदेश को एक स्थायी सरकार देने के लिए और बहुमत के अभाव में विवशता के कारण करना पड़ा है। शुक्रिया कैप्टन साहब, धन्यवाद सुरेंद्र जी, धन्यवाद आपका बहुत। तो ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से और खुलकर हमारे साथ बातचीत की और कहीं ना कहीं जिस तरीके के मामले जो जनता को परेशानियां आ रही हैं, अलग अलग वर्गों को जिन जिन कामों में परेशानियां आ रही हैं, कैप्टन साहब ने खुलकर बोला है कि जो अधिकारी इनके लिए जिम्मेदार हैं, अगर कोई कमियां खामियां या भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों को कहीं ना कहीं सरकार का जो काम होता है कि आम जनता को, आम जनता के लिए सेवक बनकर काम करना, वो काम भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। और कहीं जो कमी खामी आती है उनको भी, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि समय लगता है बदलाव करने में, सुधार करने में। और बड़ी बात, कैप्टन ने मुझे खुलकर बोला है कि मैं देश के पहलवानों के साथ हूँ। जो गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, इसकी जल्द से जल्द जाँच हो और पूरे के पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी हो। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।